डीजे की आवाज से, यदि जहाँ से डीजे निकलेगा वहाँ से शीशे भी चटक सकते हैं, ऐसा कहना है डीजे मालिक अनुज का। कॉम्पिटिशन जो ऐसा जी, शेर सीधा चलेगा, बाकी जो भी है लगाए जाओ और हटाए जाओ। नाम ही रावण है। हाँ, नाम ही रावण है। पहलो सबको ही है, जो लगाएगा उसे सबको पहलो। हाँ, हम किसी के बगल में लगाएंगे, जिसको लगाएगा वो लगाएगा बेजड़े को। बारह टॉप लग रही है। हाँ। बस ये सिस्टम है जी, और बाकी टेस्टिंग होगी जबकि जब पता लगेगी जी। तो किसी फाइट है अपने डीजे की नहीं है? फाइट तो चलेगी, सबसे फाइट है, सबसे फाइट है। सामान पैसा नो थोड़ी लगा रखा, 24-25 लाख रुपए लगाया। 24-25 लाख रुपए? हाँ जी, पूरे सिस्टम पे। नहीं, धड़कन नहीं रोकनी किसी की, थोड़ी सी हिला देंगे बस। अच्छा जी, इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ की। 1 करोड़ पूरे सिस्टम की? सब अभी बच रहे, इसमें कुछ लगा नहीं है, लगाया नहीं है अभी इसमें जी, लगेगी सर। नमस्कार, जय भोले की। और आपको बता दें, अभी मैं हरिद्वार रोड स्थित बादराबाद टोल प्लाजा पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ पर पीछे ये ट्रैक्टर्स खड़े हैं, टेम्पो खड़े हैं, यहाँ पर इस पे डीजे लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े डीजे जो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा से आए हैं यहाँ पर, और इनकी जो आवाज़ है कुछ अलग ही रहेगी, धूम मचा देगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यात्री भी हैं जो हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा माहौल लग रहा है सर आपको यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है सर, ये भक्ति का धाम है और श्रद्धा का धाम है। श्रद्धा में इन्होंने लगाए है, इसमें अगर मतलब बोलते हैं ना कि कोई इसमें आ रहा है कोई, लेकिन ये माँ गंगा मैया और हरिद्वार की संस्कृति आज भी खड़ी है, और हम इस संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा जी, महाराष्ट्र गंगा जल लेने। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र से भी पहुँच रहे हैं यात्री जो भोले के भक्त हैं, और बोल रहे हैं कि ये संस्कृति है हरिद्वार की, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पे है, जो इतने बड़े बड़े साउंड डीजे स्पीकर्स लेकर, अपना सिस्टम लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी जो ट्रक्स है, ट्रैक्टर है, इस पर बड़े बड़े स्पीकर्स, इनका सिस्टम यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जो कि अभी दोपहर के समय रुके हुए हैं या फिर अपना साउंड सिस्टम सेट कर रहे हैं। इनके जो पीछे से कावड़ी हैं, भोले भाई हैं, वो वहाँ से गंगा जल लेकर इनको यहाँ मिलेंगे, और यहीं से ही अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। इन भाई से पूछते हैं, क्या नाम भैया डीजे का? डीजे कंत है? डीजे कंत जी, रिस्तल का। कहाँ का? डीजे कंत रिस्तल। डीजे कंथल कंसल। हाँ जी, क्या कंस गुजर? कंस गुजर रिस्तल से। रिस्तल ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद कसाना डीजे का नाम सुना है ना? हाँ। जस्ट वहीं का है। बोल रहे कसाना डीजे का ही भाई है यहाँ पर, कंस डीजे जो यहाँ पर पहुँचा है। तो क्या आप यहाँ पर इसको भी साउंड सेट कर रहे हैं? हाँ जी, अभी साउंड सेट कर रहे हैं। बाकी पीछे से मतलब गढ़ जल लेके आएंगे, तब यहाँ से हरिद्वार नहीं जा रहे थे? नहीं नहीं। अच्छा, कितनी टीम है आपके साथ? हमारे साथ 20-25 आदमी है जी। हाँ जी, और डीजे आप लगाए, लगभग कितने स्पीकर लगे होंगे इसके अंदर? ये जी स्पीकर हमारी 20 बेस लग रही है इसमें। हाँ। और जी जो सेटअप है आप देख लो अपने हिसाब से, 24 कॉलम लग रहे हैं हमारे जी, बस 12 टॉप लग रही हैं। हाँ। बस ये सिस्टम है जी, और बाकी टेस्टिंग होगी जबकि जब पता लगेगी जी। तो किसी से फाइट है अपने डीजे की नहीं है? फाइट तो चलेगी, सबसे फाइट है, सबसे फाइट है। अपना सामान पैसा नो थोड़ी लगा रखा, 24-25 लाख रुपए लगाया। 24-25 लाख रुपए? हाँ जी, पूरे सिस्टम पे। कब से तैयारी करी थी? आगे कोई संस्था या संघ बना रखा अपना? नहीं जी साहब, अपने ही है, हमारी संस्था ही है जी। क्या नाम है? प्रिंस कसाना। प्रिंस कसाना। अच्छा, कसाना डीजे वालों के भाई हो गया? हाँ, उसी के काम सही है। अच्छा, रिस्तल सही, उन्हीं के उससे ही। हाँ, तो उनका डीजे तो अलग है, उनका भी तो अलग, यहीं खड़ा होगा आसपास। आगे है वो। अच्छा, आगे खड़े हो तो उनसे ही फाइट रहेगी अलग? नहीं, भाई है जी हमारे, तो हमारे गांव के हैं वे। हाँ जी, फाइट किससे रहेगी आप? फाइट तो जितने भी रहेंगे और जो लगाएंगे, फाइट ये जो लगाना चाहेगा लगा। कंपटीशन है, कंपटीशन, जो लगाना चाहेगा लगा लेगा, कंपटीशन की फाइट रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जो लगाना चाहेगा लगा लेगा। 25 लाख रुपए लगभग इसमें हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं, लाइटिंग अलग है, लाइट अलग है जी। साउंड के 25 लाख? जी जी जी। हाँ जी, सारा सिस्टम खाने पीने का मिला के बता रहे हो या फिर साउंड? जितना भी है साउंड है, साउंड वो सिस्टम अलग है। अपनी बात लगे सारे। अच्छा जी, सारे नए लाए बोले। अच्छा, ये हमारे ओनर है डीजे के। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कसाना है जी। अभिषेक कसाना जी। और डीजे का क्या नाम रखा? कंस गुज्जर डीजे रिस्तल। कंस गुज्जर? कंस, कंस, कंस गुज्जर। हाँ जी, कंस किसका नाम है? कंस भांजा का नाम है। अच्छा, तो उसके नाम से रखा जी। जी, भाई का नाम है अभिषेक कसाना। अभिषेक कसाना कंस गुज्जर के नाम से
ये डीजे है जो कि हरिद्वार से इन गाजियाबाद में पड़ता है उधर, वहाँ पे हरिद्वार से इनके जो भोले हैं वो लेके आ रहे हैं। और भी यहाँ पर बड़े बड़े जो डीजे साउंड सिस्टम है यहाँ पर लग रहे हैं, उनका भी दिखाएंगे आपको। आइए दिखा देते हैं, प्रदेश के गाजियाबाद का जो कंस गुज्जर डीजे है उसको दिखाया आप यहाँ पर। इसी के बगल में ही दूसरी ट्रॉली खड़ी है यहाँ पर, एक विशाल ट्रॉली जिसपे केस प्रधान डीजे लिखा है, केस प्रधान जो कि राजस्थान के बता रहे हैं। राजस्थान कहाँ से भैया? तिजारा से। तिजारा। हाँ जी। ये जिला है या कस्बा है? ये तहसील है। तहसील है। जिला कौन सा? अलवर जिला है। अलवर जिले का ये डीजे है। कितने कावड़ी आपके साथ आए? कावड़िया भी नहीं आए। हम 10-12 जन हैं। तो लगभग कितने की लगभग लागत आई है इसकी? लागत तकरीबन 1 करोड़ की। 1 करोड़ पूरे सिस्टम के? सब अभी बच रहे, इसमें कुछ लगा नहीं है, लगाया नहीं है अभी इसमें। जी लगेगी सर। तो अभी जो है मतलब जल लेके आएंगे वहाँ पीछे से आपके बंदे, या अभी आ रहे हैं? अभी आई नहीं है, अभी मेरठ की पार्टी है। बुक करा है वहाँ से? हाँ जी। देखिए मेरठ की पार्टी है जिसने अलवर से डीजे को बुक करा है, केएस प्रधान नाम का डीजे है। ये सिस्टम खाने पीने का सिलेंडर वगैरह सब सब पार्टियों ने दे रखा है। अच्छा। राशन वासन सब चीज पार्टी का है। अच्छा, तो आपकी टक्कर किससे मान के चल रहे? पहले आए कभी हरिद्वार में सर डीजे लेके? नहीं, इससे पहले हम गाड़ी पैक सामान लाते थे, बड़ा सेटअप पहली बार लगाया है। अच्छा। हाँ जी। तो ये लागत इस बार नजर आई है या फिर नया कुछ खरीदा है, कुछ अलग ही पहले अलग से? नया भी खरीदा, पहले भी लगा रखा था। मुरादाबाद जाते थे हम बड़ा कावड़ के लिए। अच्छा। लेकिन हरिद्वार कावड़ के लिए पहली बार बड़ा सेटअप दिया है। अच्छा। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? काफ़ी डीजे है, किससे कंपटीशन मान रहे हो अपना? देखो अपना कंपटीशन किसी से नहीं है। हाँ। कोई बंदा हमसे करना चाहे तो वेलकम रहेगा उसका। अच्छा। आप जवाब दोगे? हाँ जी बिल्कुल। बोल रहे हैं कि म्यूजिक पे भोले के भजनों पर ऐसा जवाब दिया जाएगा जो डीजे की धूम अलग ही रहेगी। आप यहाँ पर देखते हैं अलवर का जो केएस प्रधान डीजे है यहाँ पर अपना पूरा लाव लश्कर लेके अपने सामान के साथ पहुँचे हैं और बोल रहे हैं मेरठ की पार्टी है जिन्होंने अलवर में से ये डीजे बुक करवाया राजस्थान से और यहाँ पर ये पहुँचे हैं और पहली बार हरिद्वार आए हैं। इससे पहले मुरादाबाद से कावड़ के साथ डीजे लेके जाया करते थे। और भी यहाँ पर बड़े बड़े विषय से हरियाणा से राजस्थान से बड़ी दूर दूर से यहाँ पर शिव भक्त आए हैं और उनके जो डीजे हैं उनके डीजे यहाँ पर अभी इस समय खड़े हैं। उनकी गाड़ियाँ ट्रोलियों में यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है और आप देखते हैं यहाँ पर ये धड़कन नाम का जो डीजे है जो कि धड़कन नाम का डीजे जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के मेरठ से पहुँचा है यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अब देख सकते हैं क्योंकि इस पर लिखा है जिनकी धड़कन कमज़ोर है वो दूर रहे नहीं तो धड़कनें थम जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी भारी ये जो सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी युवाओं की यूट्यूबर्स इसको देखने के लिए इसको कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इस विशाल डीजे को देखकर यहाँ पे सब ने अपने दादो तले उंगलियाँ रख ली हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, चेतावनी कमजोर दिल वाले डीजे से दूर रहें। बता रहे हैं कि भाई शीशे छटकने तो देंगे लेकिन अगर आवाज़ खोल दी बेस खोल दिया तो समझिए डीजे की आवाज़ से यदि जहाँ से डीजे निकलेगा वहाँ से शीशे भी छटक सकते हैं, ऐसा कहना है डीजे मालिक अनुज का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है जी। कहाँ से हैं? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से? तो क्या नाम है डीजे का? डीजे का धड़कन नाम है। अच्छा जी। तो कब चलेंगे यहाँ से आप? हम 26 की नाइट में या 27 की मॉर्निंग में चलेंगे यहाँ से। अभी हमने और डीजे वालों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कहीं आए हैं, कोई मुरादाबाद से है, कोई मेरठ से। जी जी बिल्कुल। मोदी नगर से जी। कोई राजस्थान, कोई अलवर से। जी जी। तो किससे कंपटीशन मान रहे हैं अपना? हमारा किससे कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा जी। कंपटीशन नहीं है, पहली बार आए हो क्या? नहीं, कई साल से आते हैं हम। अच्छा। पिछले साल भी आए थे 2023 में भी। जी 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 बिल्कुल आते हैं। वो हो जाता है, देखो हमें किसे करना नहीं है, कोई हमसे करेगा तो हम छोटा सा कंपटीशन कर लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि धड़कन डीजे धड़कन रोकने वाला काम करेगा क्या? वो तो देखो समय पे देखा जाएगा क्या होता है ना। अच्छा। जी डीजे पे हमने पढ़ा कि भाई कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना नजदीक आए। वो गाड़ी कहीं से आई हुई है बरेली से हमारे जानने वाले की, उस पर लिखा हुआ है, बाकी अच्छा ही होने वाला साउंड सेटअप जो है। जी 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 बिल्कुल। नहीं धड़कन नहीं रोकनी किसी की, थोड़ी सी हिला देंगे बस। जी भाई रुड़की से निकलोगे आसपास कहीं से निकलोगे? ये हमारा बाहर से जाएगा जी, बाईपास से। अच्छा। रुड़की में अंदर जा नहीं पाएगा। शीशे वगैरह बिल्डिंग आती है बड़ी बड़ी इमारतें। जी जी जी। कम करनी पड़ती
साउंड बिल्कुल कम कर लेते हैं हम, किसी का नुकसान नहीं करना। अच्छा। किसी के नुकसान से हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा। जी तो वाकई शीशे टूट जाएंगे? टूट भी सकते हैं लेकिन हमें तोड़ने नहीं किसी के। अच्छा। जी तो ये लाइट सिस्टम ये मुरादाबाद से की हुई है हमने बुकिंग। अच्छा। रेंट पर गई है, लगा रखी है इसमें? अभी 30 लगी है, सार भी जो है 40 लगेंगी, 10 और लगेंगी अभी। फॉग लाइट हम देख रहे हैं, लंबी जाती है तो सब कुछ लगेंगे, लेजर लाइट भी लगेगी। सिस्टम होगा ये आपके साथ? ऐसे तो जी नहीं पता मुझे, अंदाजा भी नहीं पता जो बात है। देखो क्योंकि इसमें अलग अलग है, साउंड सेटअप हमारा है, लाइटिंग हमें जो है पार्टी द्वारा बुक की हुई है मुरादाबाद से। जी बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी खीरा बेचते हैं, बहुत बेहतरीन डीजे है, बहुत बढ़िया डीजे है। हाँ डीजे ये बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया पैसा लगा रखा आपने जी। खीरा फिर सबको फ्री में? नहीं, 20 का पत्ता बेचते हो बोले, आप 10 का ले लो जी। जी कितने आदमियों की टीम है यार? हमारी जो है 15 से 20 आदमियों की टीम है जी। लगा ही रहे हो अभी? जी जी बिल्कुल, ये हमारा 26 की रात को या 27 की सुबह चलेगा और हम कल तक टेस्टिंग कंप्लीट कर देंगे अपनी। पार्टी कहाँ की है? पार्टी मेरठ भोला रोड से। भोला? जी जी। आप कहाँ के हो? हम भी मेरठ के पास ही, हमारा गांव पड़ता है गुमी गगोल। डीजे का मालिक आप? जी जी। क्या नाम है आपका? अनुज नाम है जी मेरा। जी दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं रावण डीजे। जी हाँ, रावण डीजे जो कि ग्रेटर नोएडा का है और ये भी यहाँ पर हरिद्वार पहुंचा है, जो कि भादराबाद टोल प्लाजा में इस समय रुके हुए हैं और अपने साउंड सिस्टम को यहां पे लगाने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें जो कावड़ इनके साथ आ रही है वो मेरठ की है और रावण डीजे का ये जो विशाल रूप आप देख सकते हैं, रावण की तरह ही लंबा चौड़ा इसका रूप है। भगवान शिव के जो भक्त है वो रावण थे और रावण डीजे वाले यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। रावण डीजे वाले जो कि ग्रेटर नोएडा के हैं, आप सकते हैं रावण डीजे पे यहाँ पर देखने वालों के, यहाँ के रुकने वालों को भी यहाँ पर ताना लगा हुआ है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। रावण जो डीजे है वो यहाँ पर पहुंचा है विशाल के रूप लेके अपना, अभी उसका सिस्टम यहाँ पर तैयार हो रहा है, जो उनके साथ उनके स्टाफ के लोग हैं रावण डीजे वाले उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश है। बोले मुकेश, बोले बताओ कहाँ से आए हो? सभी को बोले जय श्री राम और जय श्री राम। कहाँ से आए? बोले गाजियाबाद। गाजियाबाद से? डीजे कहाँ का है? नोएडा सेक्टर 1 का। नोएडा सेक्टर 1 का जी। पार्टी कहाँ की है जो पार्टी ले जाएगी? ये पार्टी है मेरठ की। अच्छा, क्या कहना चाहोगे डीजे के बारे में जो साउंड सिस्टम लगाया इतना विशाल रूप रावण का डीजे दिया आपने? देखो जी बोले पारी का नाम है हम लोग। अच्छा। हाँ जी। धूम मचानी है? धूम कैडी वाली। अच्छा। हाँ जी। नाम रावण जो रखा है किसने रखा है इसका? ये गांव का ही नाम है जी, बिसरख। अच्छा। रावण की जन्मभूमि है। रावण की जन्मभूमि? हाँ जी, रावणी वही गाँव। अच्छा जी, बिसरख का जी। तो वहाँ पे मंदिर भी है रावण जी का? हाँ जी है ना। हाँ जी, वहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है? दशहरा नहीं मनाया जाता वहाँ पे? अच्छा, शोक बनता है उस दिन? दशहरा नहीं बनता वहाँ? बिसरख? बिसरख रावण डीजे। अच्छा, रावण की जन्मभूमि है? रावण की जन्मभूमि है। ठीक है, इसके मालिक कौन है? मोहित भाई। मोहित भाटी? मोहित भाटी। मोहित भाटी। इस बार किससे कॉम्पिटिशन करने वाला है? कॉम्पिटिशन जो ऐसा जी, शेर सीधा चलेगा, बाकी जो भी है लगाए जाओ और हटाए जाओ। नाम ही रावण है? हाँ, नाम ही रावण है। अच्छा। पेलना सबको ही है, जो लगाएगा उसे सबको पेलना। हाँ, हम किसी के बगल में नहीं लगाएंगे, जिसको लगाएगा वो लगाएगा बेटा को के तो भी होना सही होगा। हाँ। जो रावण थे वो शिवकी के वक्त थे। हाँ। ठीक है जी, और बाकी कोई दिक्कत ना हो भैया, जहाँ फंडे बड़े होते हैं वहाँ रावण डीजे खड़े होते हैं। जहाँ फंडे बड़े होते हैं वहाँ रावण डीजे खड़े होते हैं। जहाँ फंडे बड़े होते हैं वहाँ रावण डीजे खड़े होते हैं। धूम कैडी करके जी लट गाड़ देंगे अब की बार हरिद्वार में। हाँ, रावण डीजे मामला कैड़ा है। हाँ, बहुत कैड़ा। हाँ, सेक्टर 1 से सोच के चले लट गाड़ने की। लट वैसे गाड़ोगे डीजे में? गाड़ोगे डीजे में? डीजे से प्रेम भाव है। हाँ, वैसे सबसे क्या बोलेगी। आप यहाँ पर देखते हैं गुरुदेव डीजे, जो कि यहाँ पर काफी डीजे हैं, रावण डीजे, गुरुदेव डीजे, सागर डीजे, उत्सव डीजे, तोमर डीजे, यश गुज्जर डीजे, काफी डीजे इस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर आपके काफी डीजे की जो ट्रैक्टर ट्रोलिया है यहाँ पर डीजे सिस्टम लगाए खड़े हैं और काफी यहाँ पर बड़े बड़े डीजे यहाँ पर अपने आप को लेकर खड़े हैं और अपने कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सकते हैं यहाँ पर भादराबाद टोल प्लाजा में काफी बड़े बड़े डीजे यहाँ पर इस समय खड़े हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक डीजे है, ये भी तैयार हो रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे डीजे हैं जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और आज जो कल अपने की ओर निकलेंगे। आप देखिए रंगे, क्या नाम है डीजे का?
डीजे का नाम है गौरव बराड़, गौरव बराड़ बुलंदशहर सबका पापा, करगड़ुमा दिल्ली, करगड़ुमा दिल्ली। ये सारे हमारे हैं डीजे जितने भी सारे। अच्छा 20 हाँ करगड़ुमा जा रहे 20 डीजे, एक राम डाला, एक गौरव, हाँ एक हर्षी से। गुरुदेव भी तुम्हारा ही है? नहीं गुरुदेव हमारा नहीं है, हर्ष है वो, हर्ष वाला। हाँ हर्ष हमारा। नहीं नहीं सच बोल रहे हैं। अरे बात करा हुआ चलो बोल मिला जरा, हर्ष वाला बता ना, साथ में ही है बोले। डीजे में कंपटीशन रहता है किस तरह? रामडेड़ा से, रामडेड़ा राम डाडा, राम डाडा करगड़ुमा भाई जाओ बगल की गली वाले। राम डाडा हाँ करगड़ुमा का है, अभी ये भी करगड़ुमा का है, वो बगल वाले है। हाँ फुल मस्ती आ जाए, फुल मजे।